झारखंड में चुनाव का माहौल बन चुका है, जिसके मद्देनजर 16 दिसंबर को धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान होने वाले हैं। मतदान होने से पहले आइए हम धनबाद की जनता से उनकी राय जानते हैं, उनके क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को अब की बार कैसी सरकार को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब की बार कैसी सरकार? अब की सरकार जो होगी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करे और रोजगार दे। ठीक है, रोजगार के क्या साधन है अगर धनबाद जिले में देखा जाए तो? रोजगार के बहुत से साधन है। ठीक है, जैसे हमारे जो ब्लॉक लेवल के होते हैं वैकेंसी, उसमें सारी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। कॉल माइंस में है, उसकी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। वैकेंसियां नहीं आ रही है, ठीक है, तो इससे परेशान है, इससे हम लोग परेशान हैं। ठीक है, और इसका बेरोजगारी फैल गई है झारखंड में। ठीक है, तो इसको लेकर के इस बार आपका जो मुद्दा होगा वो बेसिकली वैकेंसी पर होगा। वैकेंसी की होगी, आप क्या कहेंगे सर? सर, आप कितने संतुष्ट हैं सरकार से? सरकार से संतुष्ट है, लेकिन यहाँ के डिपार्टमेंट से नहीं है। यहाँ पे सभी कोई घुस लेते हैं, सभी कोई करते हैं, तो क्या यहाँ पे रेट तो बढ़ेगा हर चीज़ का, और क्या यहाँ पे किसी चीज़ का सुविधा का? किस तरह का घुस सर, मतलब किस में घुस लिया गया? हर एक चीज़ में लिया जाता है। आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, कोई भी काम करवाने के लिए आपको देना ही पड़ेगा, बिना दिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो उस चीज़ के लिए सभी पीड़ित है, सभी कोई कोई इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता इस चीज़ को लेके, ठीक है, बट इतना है कि सबको अगर ये सब चीज़ को ठीक कर दे डिपार्टमेंट्स को, सारे सरकारी ऑफिसर्स को, तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। और हमारे यहाँ के बिजली पानी ये सब तो खैर दिक्कत है ही थोड़ा बहुत। किस तरह की दिक्कत है सर, बिजली पानी को लेकर के? मानिए कि यहाँ पे कहीं भी रोड कोड दिया, ठीक है, वहाँ एक पाइप को तोड़ने के कारण दूसरा तोड़ दिया, फिर सरकार को फिर अप्लाई कीजिए तो ही आके बनाएगा, वो ठीक नहीं करेगा। ठीक है, तो अप्लाई जब आप करते हैं तो तुरंत मतलब सुनाई होती है? सुनवाई होती है, नहीं भी होती है, 10 बार फोन करते रहिए। ठीक है, अब लाइट खराब होता है, लगा के चल गए, लाइट खराब होता है, कस्टमर केयर को फोन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम है, फिर ये 2 महीना बाद ठीक होगा। ठीक है, हाँ सर। बेटा, जब से भी रघुवर सरकार आया है पानी इतना गिर रहा है, पानी समाचार कुछ मैंने एकदम मामूली पानी गिर रहा है, और कोई भी जा बिना पैसा में कुछ काम होने वाला नहीं है। पैसे मांगते हैं पहले, इतना टैक्स बढ़ा दिया है जो मध्यवर्ती आदमी को जीना हराम हो गया है। तो आपका जो मुद्दा होगा इस बार टैक्स को लेकर के? ये इतना टैक्स बढ़ा दिया है, बीच वाला आदमी के लिए मरण हो गया बेटा। रघुवर सरकार ने इस बार जो नारा, सर रघुवर सरकार ने जो इस बार नारा दिया है अब की बार 65 पार, क्या लगता है इस बार धनबाद में झारखंड में 65 पार हो पाएगा? नहीं लेते हम लोग बीजेपी वोट कभी नहीं देंगे बेटा, आपकी राय। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, अब की बार कैसी सरकार? सरकार देखिए, जो भी सरकार है अच्छी है, सरकार खराब नहीं है। जैसे जो मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब हम लोग को किए हैं, बहुत अच्छे किए, उनके जो कार्यकर्ता है धनबाद के। सर, धनबाद में देखा जाए तो पिछले 5 सालों में क्या विकास के कार्य हुए? विकास तो नथिंग, कुछ नहीं, कोई नथिंग है। हाईलाइट किया गया गांव को, एम्स बनना था, गांव के लिए सब कुछ किया, हम लोग के लिए क्या कुछ हुआ? एम्स बनना था बलियापुर में, आपका एयरपोर्ट बनना था, दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी चलानी थी, सब ले गया देवघर, क्योंकि धनबाद की जनता नहीं है क्या, उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए अभी इलेक्शन का माहौल आया। जैसे अभी सिंदरी से विधानसभा फूलचंद मंडल का टिकट कट गया, उन्होंने तो जानबे करते हैं कि आप 6 बागियों को नाम काट दिया है, इसमें अभी तालमेल चल रही है, इसीलिए सब आप अपना जेब भरने की कोशिश में है, जनता से कोई मतलब नहीं है। अभी इलेक्शन है तो हाथ जोड़ लेगा, पैर जोड़ लेगा, कभी नीचे गिर जाएगा, काम जाइए ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल वर्क बिना पैसा कोई काम होता नहीं है। सपोज इलेक्ट्रिक लाइट, स्ट्रीट लाइट, कहाँ के रहने वाले सर? धनबाद में यही है, यही है। तो सर, यहाँ पे कितने बार चुनाव के बाद जो धनबाद के विधायक है कितने बार दौरे पर आए हैं, आप लोगों की समस्याओं को सुने? अभी जो विधायक जो है राज सिन्हा जी, वो बहुत अच्छे आदमी है, जब भी बोलते हैं तुरंत आ जाते हैं। जैसे हम लोग बगल में काली मंदिर है, वो पूरा सेट बनाए, इसीलिए राज सिन्हा जी को हम लोग वोट देंगे बीजेपी में, कार्य विधायक जी अच्छे हैं। और बात जैसे हम लोग के सांसद है पीएन सिंह जी, सर अभी आप बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे परेशानियां, मंदिर के नाम से भी डोनेट किया हुआ, जिसको फंड आया सो सेंट्रल लेवल फंड किया, अपना फंड कोई नहीं किया है। ब्लीचिंग पाउडर छिड़का होता है नली में, वो भी बंद है, हर चीज का सुविधा सब बंद हो चुका है। वहाँ का लाइट देख लीजिए, लाइट लगा के गायब हो। मैं अपने कैमरा मैन को बोलूंगी कि थोड़ा तस्वीर उधर की तस्वीर ले। जी सर, क्या कह रहे थे आप इसके लिए? एक बार लाइट लगा के चला गए हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए कोई आपको दिख रहा है रिजल्ट यहाँ पे? ये तो हम लोग 75 बार कस्टमर केयर को फोन करें, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, और भी बहुत कुछ है। देखिए सड़क के लिए कुछ कह रहे थे सर? सड़क तो हम लोग का तेली पड़ा देख लीजिए, और सामने झरना पड़ा भी बोल कर है, यहाँ पे जहाँ हटिया वाला जाने वाला रास्ता है आज तक कभी नहीं बना है, कभी भी हम लोग बचपन से लेके इतना बड़ा हो गया है
हमेशा देखते हैं कि वहाँ का सड़क जो है खंडर ही, मतलब झरझर ही बना हुआ है। और तेलीपड़ा इतना पॉपुलेशन का इलाका है, इतना अच्छा पॉपुलेशन, सामने मार्केट है, वो स्थिति होने के बावजूद भी तेलीपड़ा का सड़क हमेशा देखिए खराब, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, पानी का पाइप जो इस बार न्यू कनेक्शन हुआ उसके कारण से सब जगह देखिए छेद करके छोड़ दिया। यहाँ दिन के दिन बोला जाता है कि पानी बचाइए पानी बचाइए, पर तेलीपड़ा में अब जब भी नल खुलेगा आकर देख लीजिएगा पूरा सड़क पानी की समस्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो रहा है सड़क जी। बहरहाल हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं उनकी क्या राय है। पानी है यहाँ सर, बोलना है सभी को, बोलना। अब की बार कैसी सरकार? अरे अब की बार क्या सरकार बताए मैडम, बात है यहाँ की रोड का तो इस तरीके से बदतर पोजीशन है कि ना रोड ठीक से बन रही है और ना लाइट लग रही है और ना समय पर पानी दिया जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही जी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहेंगे सर? हाँ वही बात जो वो बोले हैं वही बात सही है, यही चीज़ हम लोग। बिजली कितने घंटे रहती है देखा जाए? हैं बिजली कितने घंटे रहती? बिजली तो आधा आधी कटते रहता है। पानी? पानी तो तीन तीन रोज चार रोज के बाद एक बार खुलता है, आधे घंटे के लिए पानी जो है देती है। अब उसमें किसी को मिला किसी को नहीं मिला, बहुत परेशानी है हम लोगों को। इस बार मुद्दे क्या होंगे सर वोट देने से पहले? बतावे किसके विषय में हम बतावे? देखा जाए सर झारखंड में, धनबाद में अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में विकास का स्तर कितना बढ़ा है? विकास तो खैर हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैं विकास के बारे में नहीं, लेकिन हम लोगों का मुद्दा है कि पानी पानी मिलनी चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए। अरे 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा 20 घंटा भी दे तो भी थोड़ा तसल्ली यहाँ का जनता को हो। आप क्या कहेंगे सर बताओ? मेरा मुद्दा ये है कि सरकार ठीक है 5 साल के लिए चला, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही चीज़ है कि सारा चीज़ कर लेकिन गरीब के लिए क्यों नहीं देखा जा रहा है? गरीब को तो देखना चाहिए ना, गरीब किस तरह से संसार चला रहा, किस तरह से गरीब के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाए जा रहे हैं, तो उसका क्या आपको? हम लोग कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला? नहीं कोई लाभ नहीं मिला ना। सर अब की बार कैसी सरकार? सरकार तो होना चाहिए जो कि बेरोजगारी को दूर कर सके, आम जनता की समस्याओं को दूर कर सके। आज हमारे क्षेत्र में देखिए यही का रोड देख लीजिए सामने में जो दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी वो थोड़ा तस्वीर ले इस रोड का, दिखाए कि रोड की जो हालात है, जो यहाँ लोग लगातार रोड को लेकर के कंप्लेन कर रहे हैं। सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ, एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि सड़क निर्माण हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़क का क्या हाल है। जी सर, और ऐसा ही ये यहीं का हाल नहीं है, ये सारे हमारे सारे क्षेत्र का, मनेटाल क्षेत्र का, मनेटाल छठ तालाब की ओर जो रास्ता जा रही है इतनी बदतर पोजीशन है सड़क को लेकर जी, सड़क के लेकर परेशान है। अगर मैं बूढ़ पुरानिया जाए वहाँ तो गिर करके हाथ गोड़ सब टूट जाएगा। सर अब की बार जो रघुवर सरकार ने नारा दिया है अब की बार 65 पार, क्या लगता है? रघुवर सरकार ने ठीक नारा दिए हैं, रघुवर सरकार काम हो रहा है, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। केंद्र के द्वारा जो काम हो रहा, अफसर के द्वारा जो काम हो रहा वही रोड पहुँचा रहे। केंद्र की सरकार से संतुष्ट है लेकिन यहाँ देखा जाए तो नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में विधायक जी जो है कितने बार दौरा किए हैं मनई टांड का इलाके का? ना ना यहाँ ना के बराबर दौरा किए, कभी देखते नहीं किए। कोई चीज के उद्घाटन में आते हैं, उनको बुलाया जाता है, बस उद्घाटन में आते हैं समस्याओं के लिए। कोई समस्या का कोई नहीं पोजिशन है, समस्या पेपर में भी दिया जाता है हर चीज़, लाइन का समस्या रहा, रोड का समस्या रहा, पानी का समस्या रहा, और यहाँ तक कि लाइन का समस्या यहाँ तक है कि अगर किसी का अगर लाइन ख़राब हो जाए पोल पर से तो उसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है। पर हाँ इसके प्रति भी प्रतिनिधि का कोई नहीं है या JBNL का कोई जानकार नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर के उनके क्या मुद्दे होंगे और उनकी क्या राय है। मैडम बताइए इस बार जो है पानी बिजली को लेकर के क्या है स्थिति धनबाद में देखा जाए तो? अभी तो ठीक दे रहा है पानी और बिजली ठीक दे रहा है। कितने घंटे बिजली रहती है? बिजली तो रहती है 24 घंटा था,
कभी कदाल कटता है। पानी की लेकर के क्या है स्थिति? ठीक दे रही है, पानी भी ठीक दे रही है, अब बिजली भी ठीक दे रही है अभी। आप कितने संतुष्ट हैं सरकार से? सरकार कहाँ, अभी तो पानी सही दे रहा है। एक दिन बाद एक दिन बाद नहीं दे रहा है, लेकिन एक एक दिन बाद करके पानी दे रहे हैं। देखा जाए तो रोज देना चाहिए ना पानी तो। और आप बताइए, इस बार आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से तो बहुत कुछ खुश हैं, मोदी जब से जीते हैं। आप मोदी सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ। आप क्या कहेंगे? क्या आप कितने संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट है, बाल बच्चा के नौकरी दे ये न रहा मोदी सरकार, झूठे खाली राशन बांट रहा। आपका बेरोजगारी का मुद्दा है? बेरोजगारी का? हाँ जी। जब बाल बच्चा पढ़ल लिखल जो नौकरी देगा उसको, तबे ना आदमी के मोदी के जानेगा। बिल्कुल है, खाली राशन बांट करके नहीं ना होगा। रोड नहीं है, नली ठीक नहीं है, नली ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, रोड की समस्या है। हाँ, सफाई को लेकर के क्या? सफाई तो नाले नहीं है होता, रोज महीना में तीन बार पहले होता था, पहले होता था, अभी नहीं होता। सफाई जब मन करता जब आता, नहीं तो नहीं आता, मर्जी से करता, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जी सर, आप क्या कहेंगे? रोड का समस्या है हमारे, रोड गली नली का, इसका समस्या ज्यादा है। रोड के लिए कंप्लेन करते हैं, बराबर एक्सीडेंट होता है, कोई देखने वाला नहीं है। कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं सर? बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आइए हम कुछ और बड़े बुजुर्ग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। बताइए, पिछले 5 साल में देखा जाए तो धनबाद में विकास के क्या कार्य हुए हैं? विकास हुआ, लेकिन विकास संतुष्टि नहीं अभी है, संतुष्टि अभी और काम होना बाकी है। जैसे रोड का, बिजली 24 घंटा नहीं रहती है, पानी की सब कुछ समस्याएं हैं, ये सब जनरली होना चाहिए। इस बार चुनाव को लेकर के आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे यही है कि बिजली पानी रोड का समस्या है, बच्चों लोगों की समस्या है पढ़ाई वढ़ाई के विषय में, और आपका ऐसा तो बीजेपी का सपोर्ट हम लोग हैं ही, कुमारपट्टी समझे ना। तो इस बार जो रघुवर सरकार ने नारा दिया है, अब की बार 65 पार, क्या लगता है सर? हाँ, पार हो जाएगा। हाँ, राज सिन्हा जीतेंगे ही, यहाँ 65 पार, एकदम भाजपा की सरकार, राज सिन्हा यहाँ से जीतना ही है 100%। जीतने के बाद जैसे देखा जाए तो इन 5 साल के दौरान कितने बार जो है विधायक जी यहाँ पे आए हैं? यहाँ कितने बार? 4-5 दफे आए हैं। आप लोगों की समस्याओं को सुने? हाँ सुने। राज भी बहुत अच्छा काम, आप संतुष्ट हैं? हाँ, राज भी ऐसे एकदम पूरा खुश है, पूरा मोहल्ला खुश है, पूरा मोहल्ला भाजपा के जाएगा 100%। हम उनको बोल रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है जो कि रोजगार को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे रोजगार को लेकर? 3 साल हो गए ग्रेजुएशन खत्म हुए हम लोग का, पर रोजगार का कोई माध्यम नहीं। झारखंड सरकार, रघुवर सरकार कहती है कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, को धनबाद के एक भी युवा को रोजगार मिला? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो रोजगार उन्होंने 5 लाख रोजगार उन्होंने दिया युवा को, कहाँ के युवा को दिया ये रोजगार? तो हम लोग को दिख नहीं रहा, हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं। हम लोग उनका कहना है कि क्या सर्टिफिकेट पे नहीं मिलेगा रोजगार, हुनर होने चाहिए, तो अब क्या क्या हुनर दिखाएं? पढ़ाई पे ही ना हुनर है। रघुवर सरकार ने जो 5 लाख रोजगार का जो वादा किया था, वो क्या मतलब दावा जो है वो खोखला है? घोपला तो है ही, रहता तो दिखता ना जी। वो तो हुनर खोज रहे थे, किस चीज़ का हुनर है, पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट किस चीज़ का हुनर? किस चीज़ की पढ़ाई की? ITI किया, टेक्नीशियन। रोज कितने साल हो गए? वही 2 साल हो गए। 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ रोजगार नहीं मिला है। तो आप सुन सकते हैं जो यहाँ के धनबाद के जो युवा है वो रोजगार को लेकर के काफी चिंतित है। क्या मुद्दा होगा सर इस बार चुनाव को लेकर? यही चुनाव का मुद्दा कि राज सिन्हा कहाँ काम कर रहे, काम तो नहीं कर रहा, सीधी सी बात यही है। रोजगार को लेकर के क्या, युवाओं को रोजगार के लिए क्या बोले? रोजगार तो सही बात है, नहीं मिल रहा, मेरा भी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है, आज मेरा 2 साल हो चुका है। यहाँ बहुत सारे युवा हमारे साथ है मौजूद जो कि जिनका ग्रेजुएशन हुए 1 साल 2 साल 3 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी वो बेरोजगार है। कैमरामैन निकुंज के साथ कोमल बहल, मिरर मीडिया, धनबाद।